पंचायत चुनाव की तरह ही विधान परिषद चुनाव के दौरान भी पर्चा छीनने की घटना सामने आई। एटा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथ से कुछ लोगों ने नामांकन पर्चा छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपिटाई भी की गई और बचाने आई पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। एटा मैनपुरी मथुरा स्थानीय निकाय सीट से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह एटा के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे थे। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूदा कुछ लोगों ने उनके हाथ से नामांकन का पर्चा छीन लिया और फाड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक आ गई। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस से भी सपाइयों की भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एटा कलेक्ट्रेट में गुंडागर्दी की तस्वीरें। सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा फाड़ा गया, जिसके बाद धक्का मुक्की होती हुई नजर आई है, मारपिटाई हुई है। बीच बचाव करने पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जो सपाही थे, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। कप्तान से बात हुई, उन्होंने कहा फोर्स मूव कराएंगे। आज सवेरे ही कप्तान को मैंने कहा था कि पर्चा छीन के फाड़ने की प्लानिंग चल रही है। जिसने वकील साहब पर्चा हाथ में लिए थे, मैं साथ था, वकील साहब से जो छीन के भागा है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया, उसने दूसरे को फेंक दिया। जिस पकड़े हुए आदमी को यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने छुड़ा दिया, जिसने पकड़ा था उसको पीट कर। अभी 2:50 हो रहे हैं, गेट बंद है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आप तो खुद देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। क्या दोनों पर्चे छीने गए हैं? अंदर उसमें पर्चा किसके का था? अरे जिसका था। किसी को यहाँ आने का अधिकार ही क्या है जब आपने बैरिकेडिंग लगा रखी है और केवल प्रस्तावक और केवल उम्मीदवार जा रहे हैं अंदर, तो पर्चा छीनने वाले पहले से अंदर हैं कैसे? अब आपकी मांग क्या है? क्या मांग? हम तो जो मांग करेंगे ये हमें देने लायक क्या है? उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव की 30 सीटों पर नामांकन करने आई सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में MLC चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी हरीश यादव ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपिटाई की। इसी दौरान उन लोगों ने सपा प्रत्याशी के कपड़े भी फाड़ दिए। हालात बिगड़ते देख हरीश यादव मौके से भागकर नामांकन कक्ष पहुंचे। जानकारी के मुताबिक नामांकन के आखिरी दिन मोहम्मदाबाद नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी हरीश यादव अपना नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं BJP कार्यकर्ताओं ने उनका विवाद हो गया और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की है।